अस्सलाम वालेकुम। 23 जुलाई 2020 ज़िलहज की यकम तारीख बरोज़ जुमरात यानी थर्सडे हैं। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर मुकामी अखबारात की सुर्खियां लेकर मेरे फीसूफी। सबसे पहले डालते हैं रोज़नामा रोशनी के सफ़े अव्वल पर नज़र। भारत आलमी सतह पर अमन और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार। सरहदी कशीदगी अमन के लिए खतरा, वजीर खारजा। राजौरी में कमीनगाह तबाह, पीकागंज समेत बारी असला बरामद, कफवारा में दो बलाई वर्कर गिरफ्तार। कश्मीर में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल, जेलों में या घरों में नजर बंद लीडरों की ईद से कबल रिहाई मुतवक्का। मरकजी वजारत दाखिला ने उसूली तौर नजर बंद मेन स्ट्रीम लीडरों को आज़ाद करने का मन बना लिया है, ईद से कबल हतमी फैसला लिए जाने का इम्कान। इसी अखबार में आगे नाजरीन, अहदा संभालने के पहले रोज़ ही मुसलमानों पर पाबंदी का खात्मा करूंगा, जो बाइडन। बिहार पर आसमानी आफत का कहर, बिजली गिरने से 17 अफराद हलाक, सैलाब से 4 लाख की आबादी मुतासर। रूहानी बुजुर्ग और सूफी शायर गुलाम नबी भट्ट अलमारूफ नब भट्ट का श्रीनगर में इंतकाल। मुख्तलिफ अदबी दीनी समाजी तंजीमों का इजहार गम, इनके इंतकाल को सूफी शायरी के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। तुर्की से लौटी 2 कश्मीरी खवातीन को पूछताछ के लिए पुलिस थाना तलब कर लिया गया। अखबार मशरक से शह सुर्खी समाप्त करें, उत्तर प्रदेश में कानून नहीं गुंडों का राज, छेड़छाड़ की मुखालफत करने वाले सहाफ़ी विक्रम जोशी की मौत पर अपोजिशन का योगी पर हमला, सहाफ़ी के कत्ल से गुंडा राज बेनकाब, प्रियंका। यूपी में इज्तिमाई तौर से ईद उल अधा की नमाज पर रोक, खुले मुकाम पर कुर्बानी न करने की पुलिस ने जारी की गाइडलाइन। लॉकडाउन दोम का 10 दिन मुकम्मल, वादी भर में मामूलात जिंदगी का मुकम्मल तौर पहिया जाम। गैर मुकामी कामगारों और मजदूरों के श्रीनगर दाखिले के लिए रहनुमा खतूत जारी, मनफी कोरोना रिपोर्ट के बगैर किसी कामगार और मजदूर को श्रीनगर दाखिल नहीं होने देंगे इंतजामिया। इसी अखबार से एक और सुर्खी समाप्त करें, चीन मुतनाज़िया सरहद से पीछे हटने को तैयार नहीं, 40,000 फौजियों की तैनाती। बीजेपी में शमूलियत के 24 घंटे के अंदर ही फुटबॉलर मेहताब हुसैन का सियासत छोड़ने का ऐलान। सौरा अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल में मुंतकिल करने का मनसूबा खतरनाक, मुख्तलिफ मोहलिक अमराज में मुबतला मरीज अपने घरों में ही जान गंवा देंगे। उकाब के सफ़े अव्वल पर नज़र डालते हैं, कोरोना वायरस का कहर जारी, मासूम बच्चे समेत 12 जान। जम्मू कश्मीर में कोरोना मुतफीन की तैदाद बढ़कर 279 तक जा पहुंची, 453 अफराद का टेस्ट मुस्बत, 352 कश्मीर से, 101 का ताल्लुक जम्मू से। कोरोना वायरस का तेज़ी के साथ फैलाव, 27 जुलाई तक पाबंदियों में सख्ती का ऐलान, लाजमी सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, मुतवक्का तौर पर ईद कुर्बान के सिलसिले में 3 रोज के लिए बाजार खुलेंगे। फरामीर बाजार कोलगाम, नामालूम बंदूक बरदारों की कार्रवाई, पुलिस एहलकार पर नज़दीक से गोलियां चलाई, अस्पताल में मौत वाका। कोरोना वायरस ने सदियों पुरानी रस्म को छोड़ने पर मजबूर किया, शादी ब्याह की तकरीबात में त्रामी बदले प्लेटों का इस्तेमाल। तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें, दोनों अतराफ दर्जनों हलाकतें। मुकामी अखबारात की सुर्खियां आप द वॉइस ऑफ कश्मीर से समाप्त कर रहे थे। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉग इन करें द वॉइस ऑफ कश्मीर .in। खुदा हाफिज़।